नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युगवाणी टाइम्स। आज हमारे साथ एक इंटरनेशनल गायक मौजूद हैं जिनसे हम आपको जल्दी रूबरू कराएंगे। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय, माय नेम इज दिनेरो एश एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल सर। जी बताइए अपने जर्नी के बारे में, कैसे इंडिया से इंटरनेशनल लेवल तक जाने की आपकी जर्नी रही। भाई देखें कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ था और पढ़ाई मैंने अमेरिका में करी और म्यूज़िक भी वहीं से किया और बट मुझे लगा कि मेरा फेवरेट तो बॉलीवुड ही है। तो नाउ आई एम बैक टू बॉलीवुड एंड बस यहीं से काम चल रहा है। अब यहीं से फिल्में बन रही हैं, उनके लिए फिल्म के लिए म्यूज़िक करता हूँ, वेब सीरीज़ के लिए करता हूँ, इंडिविजुअल एल्बम के लिए एंड नाउ वर्किंग ऑन माय होल एल्बम। इंटरनेशनल और इंडिया और पंजाबी तीनों इंडस्ट्री में आप काम कर चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ से कुछ सीखने को मिला और सबसे ज़्यादा मज़ा अभी तक आपको कहाँ का रहा? वेल, हॉलीवुड इज डिफरेंट वे ऑफ फॉर इंडियंस इज ऑलवेज बॉलीवुड। हमारे लिए तो बॉलीवुड ही सबसे प्रथम है और बॉलीवुड के बाद काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज फिर स्टार्ट हो गई, जैसे पंजाबी हो गई, हरियाणवी हो गई। सो एवरी डे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, आप पंजाबी पे कर रहे हो, हरियाणवी पे कर रहे हो, हिंदी पे कर रहे हो, एक अलग अलग लोगों के साथ ही करते हो हमेशा, एक सेम लोगों के साथ तो नहीं कर सकते। तो अलग लोगों के साथ काम करने का अलग अलग एक एक्सपीरियंस रहता ही है लाइफ में। पंजाबी म्यूज़िक है वो एक इंटरनेशनल लेवल पर इन्जॉय किया जाता है, इसकी क्या वजह मानते हो? मुझे ऐसा लगता है कि पंजाबी म्यूज़िक ने बहुत अच्छा फ्लेवर दिया है इस इंडस्ट्री को। बहुत ही कम टाइम में पंजाबी इंडस्ट्री बूम कर रही है बिकॉज जो आर्टिस्ट हैं उनकी वर्सटैलिटी, उनके वे ऑफ सिंगिंग, गाना कंपोज करना, गाने बनाना, वीडियो दिखाना, दर्शाना, ये पूरा एक इंटरनेशनल फॉर्म में आ चुका है। सो हरियाणवी भी, हरियाणा इज़ ऑल्सो पिकिंग अप इन द सेम वे। विदेशों में आप शो करते रहते हैं तो कितना प्रेफरेंस मिलता है इंडियंस के लिए और इंडियंस इंडस्ट्री के लिए? हाँ, विदेशों से हमें बहुत प्यार मिलता है, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि इंडियन आर्टिस्ट जो अब्रॉड में पहले रह चुके थे अब इंडिया में रहते हैं और आके उनके लिए परफॉर्म करते हैं, तो उनको वही देश के अगर एक दो गाने गा दो तो फिर लोगों के अंदर बहुत। आपकी एल्बम जो चर्चा में, आप उसके बारे में बताइए, कैसे वो बनाने का आपको विचार आया और कितना कुछ मज़ा आया? एल्बम मेरी अंडर प्रोसेस है अभी और इसको कम्प्लीशन में शायद मेरे को अनदर 2 वीक या 1 महीना लगेगा और इट्स अंडर प्रोसेस, मतलब तो काम चालू हुआ है, यू नो बहुत मज़े आ रहे हैं क्योंकि जो भी मैं बनाता हूँ उसमें थोड़ा सा टाइम लेके समझ के सोच के, कई बार 10 भी गाने बना लिए तो उसमें से शायद एक समझ में आता है, तो इट्स लाइक दैट के आई एम अ मशीन ऑफ मेकिंग सॉन्ग्स एंड अब क्या करें, जैसे कोका कोला की मशीन होती है उसमें से कोका कोला ही आता जी, है हमारे अंदर से गाना ही आता है। अभिनय की दुनिया में कब उतरने का विचार है? अभिनय की दुनिया तो मैंने एक्टिंग करी है फिल्म में पहले और एक इंस्पेक्टर का रोल किया था, एक दो और फिल्में हैं जिसमें उन्होंने मुझे म्यूजिक डायरेक्टर लिया है, सिंगर भी लिया है, बट वो चाहते हैं कि मैं उसमें एक्टिंग भी करूँ। सो फॉर अ सिंगर एंड फॉर अ स्टेज आर्टिस्ट इट्स ईजी, आई थिंक नथिंग इज ईजी, बट इतना घबराहट नहीं होती है कि तुम कैमरे के, इतने बड़े कैमरे के सामने, और सो अब तो ठीक लगता है और एंड आई सी के अपॉर्चुनिटी आएगी तो व्हाई नॉट। तो इंडिया में आके आपको कैसा लगता है, क्या पहले क्या चेंज दिखाई देता है इंडिया में, जैसे आप जब स्टडी करने गए थे उसके वहाँ पर आने के बाद क्या चेंज दिखाई दिया? आने के बाद तो मुझे पहले समझ में नहीं आया कि मैं दिल्ली आ गया या बॉम्बे आ गया, क्योंकि इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन गए, मेट्रो स्टार्ट हो गई, मेट्रोपॉलिटन प्रॉपर कंट्री सिटी बन गई, हमारी स्टेट्स बन गई, तो अब तो प्रगति है, अब तो आगे आगे तो देखो क्या होता है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, हमारा देश आगे जा रहा है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, आप किस किस प्रोजेक्ट पर काम करने का सोचा है और क्या क्या प्रोजेक्ट आपके अभी तक पूरे हो चुके हैं? वैसे तो काफ़ी सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, कैंडिड ट्विस्ट द क्राइम स्टोरी, उसमें तीनों गाने मैंने दिए हैं, कंपोज डन विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स ग्रेग। नाउ अभी आने वाला जिंदगी रीसेट, एक अभी वेब सीरीज लॉन्च हुई है MX प्लेयर पे, जिसका टाइटल सॉन्ग मेरा है, जिंदगी रीसेट ही उसका नाम है, शिवा रिंदानी आदि रानी ने डायरेक्ट करी है वो फिल्म, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। फिर अभी जो मेरे 2 ट्रैक हैं, एक राइज अप है अपाची इंडियन शिवानी कश्यप के साथ, चेजन के साथ, और एक दूसरा ट्रैक है जिसका नाम है लंदन,
वो वैजनास के साथ है, इट्स ऑल्सो कमिंग अप वेरी सून। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही बोलना चाहेंगे आपको कि आप हमारा युवा टाइम्स YT को सपोर्ट करें और इनके अपडेट्स देखते रहें, क्योंकि दिस इज़ द वन, दे आर द वन हु कैन कीप यू अपडेटेड फॉर द राइट कंटेंट एट द राइट टाइम। बहुत बहुत स्वागत था आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए एल्बम के लिए। ये हमारे साथ थे बहुत जाने माने इंटरनेशनल सिंगर डिनेरो एश। देखते रहे, थोड़ा मुश्किल है नाम, बट धीरे धीरे नाम का मीनिंग भी बताइए हमारे दर्शकों को। सो डिनेरो का मतलब होता है, डिनेरो स्पेनिश वर्ड होता है फॉर मनी, और मनी इज कंसिडर्ड एज ग्रीनरी, मनी इज कंसिडर्ड एज लाइफ, ग्रीनरी इज कंसिडर्ड एज लाइफ। सो मनी इज ग्रीन, डॉलर इज ग्रीन, एंड ग्रीन इज लाइफ, एंड ऐश मीन्स जब खत्म हो गए तो मिट्टी हो गए ना, सो लाइफ एंड डेथ। वर्ड वॉज सुपर्ब मीनिंग रहा इसका, बहुत डीपली मीनिंग है सर का। देखते रहें युगवाणी टाइम्स, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाइया। युगवाणी टाइम्स ऑल द वे, बूम।